कि साहित्य में स्त्री का समय है। मैं इसको इस तरह से कहती हूँ कि साहित्य का स्त्री काल है। ये कैसे संभव हुआ, ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये कैसे संभव हुआ कि स्त्रियां जो गोपन था उनकी जिंदगी में, असुरियम पश्या स्त्रियां, जो धूप देखने से भी अपने को बचाती थी और छुपाती थी, जिनको धूप भी न देखे, ऐसी स्त्रियां आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मीटू तक आ गई, उनके सारे गोपन रहस्य खुल गए। इसकी वजह है, देखिए अब तक तो पुरुषों ने ही उनके गोपन को खोला ना। आप रीति काल का पूरा साहित्य पढ़ लीजिए तो उसमें क्या है, स्त्रियों के सारे शरीर का जितना भी गोपन था उनके मन तक तो रीति काल पहुंचा ही नहीं, उनके श्रृंगार और उनके दैहिक वर्णन में ही उलझा रहा। स्त्रियों ने तो नहीं किया ऐसा, अगर कोई स्त्री प्रेम कविता लिख रही थी तो मीरा जैसी कवियत्री को भक्ति मार्ग की कवि बता के उसको साइड कर दिया, वो मीरा की कविता प्रेम कविता नहीं है, वो उसको साइड कर दिया, क्योंकि आपकी नैतिकता इतनी ज्यादा हावी थी कि उस दौर में स्त्री कुछ खुल के लिखती है, अपने गोपन पे बात करती है तो वो समाज की शुचिता भंग होती है, वो नैतिकता के विरुद्ध है। नैतिकता के जो मानदंड थे, जो साहित्य की आचार संहिता थी, वो शुरू से स्त्रियों के लिए अघोषित थी। आप सारी जो स्त्रियां हैं उनका जो आकाश है वो आर्थिक सत्ता से समृद्ध हो, बिल्कुल, ताकि आप सब बदल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।